एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरी नवरात्रि सीरीज़ नवरंग में आपका स्वागत है। आज है 8 अक्टूबर, आज है दूसरा नवरात्रा एंड आज है माँ ब्रह्मचारिणी जी का दिन। सो आज का जो शुभ रंग है वो है ग्रीन कलर। सो आई एम जस्ट गोना क्रिएट ग्रीन कलर्ड लुक फॉर यू गाइस। सो क्लीन फेस से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आइस करूँगी और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कप्स एंड लैशेस का कवर पॉट इन दी शेड नूड। ये मेरा आई बेस होगा, सो आई एम जस्ट अप्लाइंग इट विद अ फ्लफी ब्रश एंड पूरी आइस कवर कर रही हूँ अप टू दी ब्राउ बोन। अब मैं कलर करेक्ट करूँगी और मैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ कफ्स एंड लैशेस का कवर पॉट इन 12 चेस्टनट। सबसे डार्क कलर है इनकी रेंज का, नहीं सबसे डार्क तो नहीं है बट काफ़ी डार्क कलर है। बट या आई एम जस्ट अप्लाइंग अंडर माय आईज और आप देख सकते हैं कितना ही ब्यूटीफुली इसने कलर करेक्ट किया है। अब मैं शुगर का कॉम्पैक्ट लेकर अपने जो आई बेस है उसे अच्छे से सेट कर रही हूँ बिकॉज़ मेरी आईज बहुत ऑयली हैं तो क्रीज करती हैं, तो सेट करना बहुत ज़रूरी है पाउडर से। फॉर दी पैलेट आई एम यूजिंग यू कैन बी फ्रूट पाई फिलिंग पैलेट और मैं पूरी नवरात्रि की लुक्स जो है 9 लुक्स इसी पैलेट से कर रही हूँ। सो 9 लुक्स एक पैलेट से आप देख सकते हैं कैसे क्रिएट करना है। सो सबसे पहले मैं शेड ले रही हूँ पाव पाव। इट्स अ वेरी नाइस ऑरेंजी शेड जो मैं अपनी क्रीज एरिया पर लगा रही हूँ जस्ट लाइक दिस जस्ट टू वॉर्म इट अप। और उसके बाद मैं ग्रीन कलर लेके अपने आउटर कॉर्नर्स पर लगा रही हूँ विद अ पेंसिल ब्रश और धीरे 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 इसे मैं अपनी क्रीज की तरफ ब्लेंड करूँगी जस्ट लाइक दिस। और मैं धीरे धीरे बिल्ड कर रही हूँ इस कलर को, थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर रही हूँ और साथ ही साथ इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ क्रीज की तरफ। आप देख सकते हैं कैसे मैं धीरे धीरे करके इस कलर को इंटेंसिफाई कर रही हूँ और बिल्ड कर रही हूँ। सेम प्रोसेस मैं करूँगी अपनी दूसरी आई पर भी। इसके बाद मैं एक फ्लफ़ी ब्रश लेके इस कलर को थोड़ा सा और इंटेंसिफाई करूँगी और साथ ही साथ मैं आउटर कॉर्नर्स जो हैं लाइक एजेस हैं वो ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी और ब्लेंड करते करते इस कलर को थोड़ा सा और अपने इनर कॉर्नर्स की तरफ लेकर आऊँगी क्रीज की तरफ से जस्ट लाइक दिस। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट लुक आनी शुरू हो गई है। अब मैं अपने क्रीज पर लगा रही हूँ अगेन शेड पॉपॉ जस्ट टू गिव दैट ग्रेडियंट लुक। ये थोड़ा सा पीची ऑरेंज कलर है और आप देख सकते हैं कैसे आई एम ब्लेंडिंग इट विद द ग्रीन कलर। एंड नाउ आई एम टेकिंग द शेड मैंगो जो कि एक बहुत ही ब्राइट येलो कलर है और उसे मैं अपनी क्रीज पे लगा रही हूँ जस्ट लाइक दिस। एंड आई एम ब्लेंडिंग इट विद द पीची कलर एंड ग्रीन कलर टुगेदर। आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटिफुल ग्रेडियंट सा कलर लुक जो है आइज पे आने लग गया है। ये जो लुक है ये होगा कट क्रीज, सो हम अभी क्रीज भी कट करेंगे बट उससे पहले आई वुड लाइक टू ब्लेंड ऑल द आई शेडोज टुगेदर विद अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश। सो क्रीज कट करने के लिए आई एम यूजिंग कफ्स एंड लैशेस का कवर पॉट इन 06 न्यूड अगेन और मैं शाय स्टाइल का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आई डोंट रिमेंबर द नंबर बट फ्लैट ब्रश है इस तरह का एंड आई एम जस्ट कटिंग माय क्रीज जस्ट लाइक दिस। मेरी हुडेड आईज हैं तो मुझे अपनी नेचुरल क्रीज से काफ़ी ऊपर अपनी क्रीज कट करनी पड़ती है। सो अगर आपकी नेचुरली यू नो आईज अच्छी हैं तो आप अपने एक्चुअल क्रीज भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट लाइक दिस। मैं फुल कट क्रीज नहीं कर रही हूँ, हाफ कट क्रीज कर रही हूँ बिकॉज मेरी हुडेड आईज हैं। फुल कट क्रीज मेरे पे उतना सूट नहीं करता, सो आई एम जस्ट नॉट फिलिंग इट, आई एम जस्ट कटिंग दी हाफ कट क्रीज और बाद में मैं इसे आई शेडो के साथ फिल करूँगी। अब मैं शेड ले रही हूँ शुगर केन जो कि एक शैम्पेन कलर है और एक स्मॉल शेडर ब्रश की मदद से आई एम जस्ट गोना अप्लाई जहाँ पे मैंने अपनी जो क्रीज है वो कट की है एंड आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट ऑन दी लिड और जो आउटर वी पे आई शेडोज़ हैं आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट दैट। मैं क्रीज पे ब्लेंड नहीं कर रही बिकॉज दिस इज़ अ हाफ कट क्रीज लुक, सो क्रीज पे ब्लेंडिंग हमें नहीं चाहिए। दी डिस्टिंक्शन जो आई शेडोज हैं अलग अलग दिखने चाहिए। अब इन दोनों के बीच में मैं यूज़ कर रही हूँ मैंगो शेड अगेन टू गिव ग्रीन की ट्रांजिशन
शैम्पेन कलर में। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने येलो शेड लगाया है, एक ट्रांजिशन जो है आई शेडोज़ की बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई है। एंड देन बाय टेकिंग अ स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश, आई एम जस्ट गोना ब्लेंड ऑल द आई शेडोज़ अगेन टुगेदर विद स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक्स। अब इसके बाद मैं थोड़े से जो आउटर कॉर्नर्स हैं वो इंटेंसिफाई करूँगी, बिकॉज उससे लुक और अच्छा आता है। तो एक पेंसिल ब्रश लेके मैं थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो ले रही हूँ एंड आई एम जस्ट टैपिंग टू द आउटर कॉर्नर्स। बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, बस थोड़ा सा डार्कर लुक देना है इसीलिए मैं वो आउटर कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ। एंड टू द ब्राउ बोन आई एम यूजिंग दिस ऑफ वाइट शेड एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट विद द आई शेडोज। Now let's do the eyelashes, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पैक M71 eyelashes, beautiful lashes, और मैं mascara लगा रही हूँ शुगर का बैक विद बैंग mascara। I love these lashes, these look so beautiful. Now coming on to the face, मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर की एवरीडे फाउंडेशन इन द शेड 03 मीडियम ऑलिव, रियली नाइस मैच फॉर माई स्किन एंड आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट यूजिंग अ ब्रश। आप अपने फिंगर्स यूज़ कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं, वट एवर यू फील कम्फर्टेबल विद। आई प्रेफर ब्रश बिकॉज उसकी जो कवरेज है वो ज़्यादा अच्छी आती है, दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रेफर ब्रश ओवर एनी थिंग। No, it isn't you, it's just me that has changed. Throw all of your words in a sea. Now I'm gonna highlight by using L'Oreal Infallible Concealer 312. तो under eyes, bridge of nose, cupid's bow, chin and forehead highlight करूँगी and I'm gonna blend it really nicely. It's a beautiful full coverage concealer. मुझे बहुत पसंद आया है ये concealer. You should definitely give it a try. Now I'm taking a white eye pencil. This is a local one, कोई brand नहीं है, और मैं इससे अपनी waterline जो है वो line कर रही हूँ because इससे जो है मेरी आँखें बड़ी दिखती हैं because my eyes are small. That's why. And now I'm just gonna do my eyebrows, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल कॉस्मेटिक्स की आईब्रो पैलेट। आई एम यूजिंग द मीडियम एंड द लाइटर शेड टुगेदर, और उसकी मदद से मैं जो अपनी आईब्रोज हैं उसे अच्छे से फिल कर रही हूँ जस्ट लाइक दिस। अब जो कंसीलर हमने लगाया है उसको हम सेट करेंगे शुगर का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर से। सो आई एम जस्ट अप्लाइंग जहाँ पे भी कंसीलर लगाया है दिस ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, आई एम नॉट ब्लेंडिंग इट, ऐसे ही अभी लगाया है। एंड जब तक बेक हो रहा है आई एम जस्ट गोना डू माय लोअर लैश लाइन विद सम ग्रीन एंड येलो, और मैं थोड़ा सा स्मोक आउट करूँगी यूजिंग अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश अगेन एंड यू कैन सी हाउ प्रिटी द लुक is looking now. Now I'm just gonna take the brush again and I'm just gonna dust off the excess powder, jitna bhi extra powder hai use nikal dungi. Now for the blush I'm using Wet n Wild ka blush in pearlescent pink, beautiful peachy blush hai ye. So main apne apples of cheeks pe laga rahi hu aur main apne nose pe bhi laga rahi hu because it looks really beautiful. Agar aap thoda sa blush nose pe bhi laga lenge to it just looks natural blush. So for the lips I'm using Miss Clair Power Matte Lipstick in the shade 06. It's a beautiful brown nude, medium to dark skin tone ke liye bahut hi acha shade hai as nude color and it will dry matte aur bahut hi achi staying power hai iski and it just looks good. I love this lip shade, one of my favorite shade. And now I'm just gonna wear some jewelry for this festive season. And these earrings are from Bling Bag. I do have a coupon code Kavya10 if you want to avail it. And I'm just setting some dewy finish setting spray from Miss Clair. And how can I, you know, complete this look without a bindi? Because ye Navratri look hai, so I'm just gonna pop a bindi as well. And this completes my day second look for Navratri, jiska shubh rang hai hara green. And yeah, I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो and ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो. I am coming with lots of more looks for this Navratri series, so stay tuned. I am hoping कि आपको ये नवरंग सीरीज़ मेरी पसंद आ रही होगी. So जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आई विल बी शोइंग माई आउटफिट एज वेल, सो ये है जो आउटफिट मैंने पहना है इज़ फ्रॉम मिंत्रा. इट्स
घिया ग्रीन कलर्ड फ्रॉक सूट विद पलाजो एंड नेट चुन्नी. ये मैंने कबीर के बर्थडे पे भी पहना था, सेकंड बर्थडे. यू कैन सी दैट इन दी व्लॉग एज वेल. एंड आई होप आपको ये पूरा लुक पसंद आया होगा और ये वीडियो आपने इंजॉय की होगी. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ब्यूटिफुल, स्टे हेल्दी. बाय बाय, टेक केयर, बाय.